Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, how are you? ठीक ठाक खैरियत कैसे हैं आप? What a pleasant surprise. बिल्कुल ठीक ठाक. सर आपका थोड़ा छोटा मोटा इंटरव्यू लेना था. बिल्कुल, I have been aware of it. I had your message और थोड़ा सा कुछ आइडिया हो चुका था. जी जी, you're going to do it. आ जाएं प्लीज. सर आप अपना छोटा मोटा इंट्रो दे दें अगर. इंट्रोडक्शन, जिस रीजन के लिए आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं, आई लाइक टू मेक माई इंट्रोडक्शन इन दैट सर्कल, तो वो ये है कि आई एम अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल यूथ असेंबली. जी जी सर. एक यूथ असेंबली है, इट्स अ शैडो कैबिनेट. जी जी, प्रॉपर असेंबली है, उसकी तरह ये बनता है. प्लीज आ जाएं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो बहुत जी, अच्छा जी, बिल्कुल बेहतर है. एंड मेंबर ऑफ दैट असेंबली 4-5 सालों से, कुछ ओहदे संभाले. जी जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मौका आया कि आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शंस फॉर द चीफ मिनिस्टरशिप. सही हो गया सर. तो आप सर हमें ये बताएं कि आपने PYA क्यों ज्वाइन किया? प्रोविंशियल यूथ असेंबली चूंकि बंदा बड़ा एंथुसियास्टिक होता है ये मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के टाइम में, और वो ये सोचता है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे वो सोशल वर्क्स कर सके, जिससे वो वॉलंटरली कुछ काम कर सके. तो मेरे ख्याल से प्रोविंशियल यूथ असेंबली वॉज द बेस्ट वन मेरे सर्वे के मुताबिक. दैट्स द रीजन आई ज्वाइन. उसके बाद बड़ा एक्सप्लोर किया इसको. आ जाए. तो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो यूथ PYA ज्वाइन करना चाहती है वो किस तरह ज्वाइन करे? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी फॉर एवरीवन. और यूथ के लिए तो मैं हमेशा मैसेज कि जी आपके कंडक्शंस होते हैं, आपके एप्लीकेशंस होते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, उसके बाद आपके इंटरव्यूज होते हैं, उसमें स्क्रूटनी होती है, और जो कॉम्पिटेंट होते हैं थ्रू मेरिट वो आ जाते हैं. तो सर जब बंदा एक PYA ज्वाइन करता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो वो पहले उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देखता है. सही हो गया. तो इसके आप क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आप बता सकते हैं कि जो कोई ज्वाइन करता है उसको क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिले? अच्छा, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि असल में पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वॉलंटरली अगर आप कोई काम करते हैं तो डू नॉट एवर लुक फॉर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, क्योंकि आप यहाँ काम एक तो सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं और दूसरा आपकी अपनी इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी हो रही होती है. जो आपको पर्क एंड प्रिविलेज ऑटोमेटिकली मिल रहा होता है वो ये है कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, आपकी ग्रूमिंग हो रही होती है. दैट इज़ हाउ प्रोविंशियल असेंबली इज़ वर्किंग. इट्स ग्रूमिंग यू डेमोक्रेटिकली, आपको एक कल्चर सिखा रही है, एक हुकूमत का हिस्सा बनना आपको सिखा रही है. कल आप पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, आप जो है सुपर स्टेक्स पे बैठ सकते हैं. तो सर जैसे आपने बताया है कि आप CMship के लिए कैंडिडेट हैं, तो ये कितना इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए ये इलेक्शन जीतना? एक्चुअली इलेक्शंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट एज इट्स अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कल्चर ऑफ प्रोविंशियल यूथ असेंबली. इसके बावजूद इम्पॉर्टेंट मुझसे भी ज़्यादा हाउस के लिए बहुत ज़्यादा होगा. ओके. क्योंकि इससे हाउस को बड़ा फ़ायदा होगा. मेरी जो गैदरिंग्स है, मेरी सिटिंग है, वो उससे हाउस बड़ा फायदा उठा सकती है. ओके. दे कैन लर्न अ लॉट. वो पॉलिटिशियंस के साथ उनके मीट एंड ग्रीट्स हो सकते हैं. सही हो गया सर. वो उनके टूर्स टू द पार्लियामेंट एज वेल एज टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आई प्रॉमिस्ड वो हो सकते हैं. तो उनको सीखने का भी बड़ा मौका मिलेगा. और इसके बावजूद हमने बड़ी एक्टिविटीज की हैं जो कि ये नए मेंबर्स आएंगे तो एंथुसियास्टिकली वो भी फॉलो करेंगे और उनकी भी ये एक्टिविटीज जो होंगे वो दे विल कॉपी. ओके सर. ओके. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसी पे बेस करेगा कि अगर अल्लाह करता है आपको CMship मिल जाती है तो आप यूथ के लिए क्या काम करेंगे? प्रोविंशियल यूथ असेंबली इज अ फास्ट फास्ट प्लेटफॉर्म और इस पे बड़ा आपको बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है काम करने के लिए. सबसे पहला काम यह है कि डेमोक्रेटिक कल्चर की इम्प्रूवमेंट है. लोगों को इम्प्रूव करना है, उनको सिखाना है डेमोक्रेटिक कल्चर, और जो डर्टी पॉलिटिक्स हैं उससे निकालना है इनको. ओके. तो दिस इज़ माई मेन टारगेट. आफ्टर दैट आई विल वर्क ऑन ह्यूमन राइट्स. लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस ह्यूमन राइट्स की भी देनी है और यूथ इज़ वेरी डेस्परेट टू नो दैट. उसके बाद कुछ लॉ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ वॉयलेशंस हैं जो कि बड़ी बेसिक्स हैं सोसाइटी में. उसके बाद सोशल वर्क्स हैं वो तो होते रहेंगे. ट्रांसजेंडर्स पे मैं बहुत इंपॉर्टेंटली काम करना चाहता हूँ. वुमेन राइट्स पे काम करना चाहता हूँ. और ये वुमेन कार्ड का गलत इस्तेमाल जो होता है, इंशाल्लाह ये एक्सक्लूड हो के वुमेन को कम्प्लीटली उनके राइट्स मिलेंगे. सही हो गया सर. तो सर एक लास्ट क्वेश्चन कि आप यूथ को मैसेज क्या देना चाहते हैं? यूथ को मेरा यही मैसेज है कि दिस इज़ नॉट द ओनली प्लेटफॉर्म. ये तो हर बंदा अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपना अपना रोल प्ले कर रहा है. सब एक पेज पे हैं, प्लेटफॉर्म्स अलग हैं. जितने भी लोग, जितने भी यूथ
they want to be a part of this organization, they are most welcome. Jitne bhi log baaki organizations se kaam kar liye, is mulk ke liye kaam kar rahe hain, I quite appreciate them. Aur jitni bhi youth hai, I would like to suggest them ki ab wo zamana nahi hai. It's an era jidhar aapko learning, skill, development aur ye cheeze karke aapko apni zindagi guzarni hai. Iske bawajood insaan race mein agar piche reh gaya to aapki koi value dunya mein nahi rahegi. So learn a skill and apni society ke liye kaam kare, kuch productive kare aur is mulk ke liye kaam kare. Thank you sir, aapke time ka bahut bahut shukriya. You're welcome.